कितनी अच्छी तरह पहचानने लगा है। ये जो है ये मेरी दादी की बड़ी बहन है। इतनी दिक्कत होती है बिना हेलमेट के, देखो सामने फिर से पुलिस वाले हैं। मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। जय श्री राम मोलिफी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, पूरी आप सब भी अच्छे हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, सनसेट होने वाला है और अभी मैं हूँ इंदिरापुरम में और अपने जीजा के साथ जा रहा हूँ मैं सादरा, क्योंकि उनकी ट्रेन है आज, तो वहाँ से बैग वगैरह लेके मतलब जीजा आ रखे थे क्योंकि घर पर, तो बैग वगैरह लेंगे फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन आऊँगा। तो मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, सोचा अभी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से बाइक से जा रहे हैं और उस साइड ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं पैदल आ गया हूँ और वो जब यहाँ पे आ जाएंगे तब मैं बैठ के जाऊँगा, क्योंकि हेलमेट ले जाना भूल गए गाइस, एक ही हेलमेट था। तो पुलिस वाले ने उतरते हुए देख लिया था मुझे, लेकिन क्या ही कर सकता था, फ़ोटो खींचना होता उसे। अगर वाले को क्यों पकड़ रहा है, हमें तो रोक लेता पक्का, हमें रोक लेता वो तो। देख रहे हो जुगाड़, इतनी दिक्कत होती है बिना हेलमेट के, देखो सामने फिर से पुलिस वाले हैं। दिखाता हूँ, मुझे बार बार पैदल जाना पड़ रहा है, इधर सामने पुलिस वाले हैं, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। हेलमेट का सीन पता नहीं था, नहीं तो हेलमेट लेके चलता, अब आगे जाके फिर पकड़ते। तो भाई हमें भी अगर ऐसे ही रोकता, अगर हमने हेलमेट नहीं लिया होता तो। और लो नाम क्या है इसका, है उसका नाम सैमी। भाई घर पहुँचने से पहले मैं आ चुका हूँ चाचा के, ये जो फूड कॉर्नर दिख रहा है मेरे चाचा का ही है, तो यहाँ पे खा लेते पहले कुछ। तो भाई जहाँ से मैं कुछ भी फ्री में खा सकता हूँ, तो मैंने डोल का ऑर्डर दिया। पहुँच चुका है अभी, ये मेरे चाचा का ही घर है वैसे, तो अभी बैग वगैरह ले रहे जीजा और फिर निकलते हैं वापस घर के लिए। रात के 8 बजे की ट्रेन भी उठ के चलते हैं फिर। हमने ध्यान दे दिए गाड़ी में, तो हम अपन चल गए कल के कि मम्मी चलो वहाँ पेड़ के नीचे में बैठेंगे सब जने हैं वहाँ पे, चल तो हम कथी ला बैठब बसक महको लगे हमारा पूजे कहे मम्मी अब ये क्या समझ। अच्छी तरह पहचानने लगा है। उनको ऐसे एक चीज दिखाता हूँ, ये जो है ये मेरी दादी की बड़ी बहन है। मुझे भी पता चला कि रियल बहन है, और ये देखो कितना ज़्यादा फ्रैंक हो गया मुझसे।
इसको लगता है कोई खेलने के लिए नहीं मिलता। भाई सब चलते हैं, आए थे बाइक से, जाना पड़ेगा ऊपर से, बाइक यहीं पे छोड़ दिया चाचा की बाइक। चलो निकलो, हाँ संडे को आते हैं, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं, हमारी कैब बाहर खड़ी है, उनका पकड़ते हैं फिर चलते हैं सीधा गड्ढा के मिलता हूँ। तो भाई जो कुत्ता कितना ज़्यादा अटैच हो गया था मुझसे, बार बार पैर पे से पकड़ा। टाइम हो चुका 8:40 और घर पहुंच चुका हूँ, और सबसे पहले चाय बना के पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए भाई। खाना खाया और सीधा निकल गए आज, और कुछ आराम भी नहीं किया आज पूरे दिन, सुस्ती भी नहीं करी एक बड़े, और सुस्ती मिसिंग है आज पूरे दिन में। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? अच्छी बात है रात में जल्दी नींद आ जाएगी, नहीं तो दिन में सोने के बाद रात में कम नींद आती है, लेट नींद आती है, मीन्स चाय पीते हैं। ओ भाई देखो मेरे सब्सक्राइबर्स, नाम तो बताओ अपना अपना। माय बट्टी सो नेम इज प्रतीक। बट्टी सो नेम, माय नेम इज मान्या। माय तुम्हारा तो, माय नेम इज मान्या। वाओ सच अ नाइस नेम। और रोशनी और ये सुमित, चलो बाय, कल की वीडियो में तुम भी आओगे। हमारी चाय रेडी हो चुकी है, बन के पीते हैं चाय। चाय तो मस्त बनी है, रजवाड़ी चाय। सो गाइस ये है रजवाड़ी चाय, क्योंकि इसके अंदर है अदरक और इलायची, और इलायची ऐसी नहीं सिल्वर कोटेड इलायची, क्योंकि तभी ये बनती है रजवाड़ा से। सो पीते हैं चाय। बात आज खाना पीना खा के हम आ गए हैं सोडा पीने के लिए, तो घूमते हैं। बॉडी बन जाती है सोडा पीने से, सोडा पी के अगर आपको भी ऐसी बॉडी चाहिए तो सोडा जरूर पिए। और गाइस लाइट इफेक्ट देख सकते हो, भाई ने हमारी मदद कर दी रिक्शे की लाइट। भाई सामने पार के थोड़ा टहलते बहलते फिर चलते वापस घर। चलो आगे वहाँ मेन गेट पे लगाएंगे। सोडा प्लेन सोडा था, मैं वापस से इसे चेंज करके स्टिंग ले आया। एक तो इसने खोल के पी भी लिया, इसका जिस हिसाब से मुँह बना रहा था इस हिसाब से मैं चेंज करके आया, मुझे पता चल गया था अच्छा नहीं होगा, मैं स्टिंग ले। चलते हैं गाइस थोड़ा घूम के घर चलते हैं वापस। सो गाइस घर पहुंच चुका हूं, देख लो कितना पसीना पसीना हो गया, अब गर्मी आ चुकी है, इसका मतलब पूरी पूरी गर्मी आ चुकी है। अब फैन मैंने इसलिए नहीं चला रखा क्योंकि इसमें वॉइस आएगी फैन की, इसलिए नहीं चलाया। और खाना बन ही रखा है, सब्जी बन रखी है, बस चावल या फिर रोटी बनाएंगे, और जी अभी खाना खा के निकलेंगे वापस रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन है उनकी। तो गाइस खाना पीना खा लिया था, अब बर्तन वगैरह जो है इसे कल ही धुलूँगा सुबह, अभी तो अच्छा थक गया हूँ, बाहर भी गया था, आराम भी नहीं करा दिन में। सो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, हो पास सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मीटर लाइक होना है, सब्सक्राइब माई चैनल। इसको किचन में आगे इसलिए शूट कर रहा हूँ, पंखा चल रहा है उसको मैं, और देखा तो थोड़ी देर के लिए आया पसीना हो गया क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है गाइस। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, की सपोर्टिंग, बाय, लव यू ऑल।